हाउ टू यूज वैसलिन फॉर डबल हेयर ग्रोथ, योर हेयर विल ग्रो 4 times फास्टर। दोस्तों कई लोग परेशान रहते अपनी हेयर ग्रोथ के लेकर के, काफी टाइम हो जाता है, समय बीत जाता है लेकिन उनकी हेयर ग्रोथ नहीं बढ़ती। दोस्तों हेयर ग्रोथ ना होने की बहुत सारे रीजन होती है, जैसे अगर आप डाइट में कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हो, बायोटिन नहीं लेते अपनी डाइट के अंदर, प्रोटीन कम होता है आपकी डाइट के अंदर, विटामिन्स की कमी होती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो भी आपके बाल थिन होते हैं। दोस्तों तो आपकी डाइट अच्छी होना चाहिए, आप डाइट के अंदर आलमंड ले सकते हो, और इसके अलावा दोस्तों बहुत ही अच्छी हेयर ग्रोथ चाहिए तो आपको वॉलनट भी जरूर ऐड करना है। इस तरीके से आप डाइट में कुछ चीज़ें ऐड करके, ड्राई फ्रूट्स ऐड करके भी अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हो। लेकिन अभी हम रेमेडी पर बात करके, रेमेडी पर किस तरीके से हम यूज़ करके हेयर ग्रोथ को बढ़ाने वाले, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इस वीडियो अंत तक देखना है, एक सेकंड भी स्किप नहीं करना है। और आप इस चैनल पे पहली बार उतर, रेड कलर में आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, वहां पे आपको क्लिक करना है, साथ ही में बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस करना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको रेड वाली एक छोटी सी ओनियन का रस निकाल लेना है। आपको रस किस तरीके से निकालना है आपको पता ही है, इसको अच्छे से छील करके इसके छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद इसको मिक्सर में अच्छे से पीस लेना है और कॉटन के कपड़े पर रख कर ओनियन का रस निकाल लेना है। ओनियन का रस दोस्तों डीएसटी को ब्लॉक करता है। अगर आपको डीएसटी की वजह से हेयर ग्रोथ बढ़ रही नहीं है, यानी कि आपके हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम आ गई, अगर आप फर्स्ट स्टेप में तभी रेमेडी का यूज करना। अगर आपके बिल्कुल गंजापन आ गया, बाल नहीं है, आप कोई भी रेमेडी यूज नहीं करो, आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाले। दोस्तों अगर आपका फर्स्ट स्टेप चल रहा है तभी कोई भी रेमेडी को यूज करना, वरना आपको डॉक्टर को बता करके डॉक्टर की सलाह ले लेना है। तो ओनियन का रस डीएसटी को ब्लॉक करता है और स्कैल्प के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स स्कैल्प पर देता है जिससे आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ती है। तो यहाँ पर ओनियन का रस निकाल लेना एक बाउल के अंदर। अब दोस्तों इसके अंदर दूसरी चीज ऐड करना, वो है 1 spoon के करीब वैसलीन। दोस्तों वैसलीन आपके ड्राई डैमेज बाल को रिपेयर करती है, मॉइस्चराइज रखती है आपके बाल को। कई लोगों के बाल किस तरीके से झड़ते, उनके बाल काफ़ी ड्राई डैमेज होते हैं, उनके बालों के अंदर स्प्लिट एंड्स बहुत ज़्यादा हो जाती है जिससे वो जब कोम्ब करते तो बाल टूटते। तो यहाँ पर वैसलीन क्या करेगी, आपके स्प्लिट एंड्स को मिनिमाइज करेगी। दोस्तों बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, आपके बालों को ग्रीसी कर देगी वैसलीन। ध्यान रखना जब आपको शैम्पू करना है तभी इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है। तो आपको वैसलीन 1 spoon ओनियन के रस के अंदर मिला देना है, दोनों चीज़ को अच्छे से मिक्स करना है। दोस्तों अच्छे से मिक्स नहीं होगी वैसलीन तो आपको करना क्या है, हॉट वाटर लेना है बिल्कुल अच्छे से, और उसके अंदर स्टील के बाउल का रख के, स्टील के बाउल को रख देना है और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। हल्का गुनगुना गर्म हो जाए तब इसे स्केल पर अच्छे से लगाना है और बालों की लेंथ पर भी लगाना है, और उसके बाद आपको 30 मिनट के लिए सवार के पहन लेना है, और उसके बाद आपको शैम्पू कर लेना है बालों पर। इस नुस्खे को आप वीक में 2 से 3 बार कर सकते हो बेस्ट रिजल्ट के लिए।